हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए तो आप लोग एक बार मुझे बताइए, साउंड वगैरह सब आ रहा है। कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग एक बार बता सकते हो मुझे। आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। तो हम लोग आज बेसिकली यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हम लोगों का यहाँ पे है वेल्डिंग के क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस तक डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, 70 क्वेश्चंस तक हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। अब 70 के बाद आगे आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कशन करने हैं। ठीक है, 70 के बाद क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों के डिस्कशन किए जाएंगे। एक बार देखिए, तो 70 के बाद में आज 71 से हम लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है आपका 71, आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप लोगों को रिलीज्ड कब करते हैं, समझ रहे हो, प्रेशर को रिलीज हम लोग कब करते हैं। जस्ट ऑफ टाइम एज पासिंग करंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट, आफ्टर द वेल्ड कॉल्स यूजिंग हीटिंग पीरियड। ठीक है, यानी कि जब तक आपका केवल हीटिंग पीरियड चलता है तब तक, या आफ्टर द वेल्ड कॉल्स, या आप लोगों ने देखा होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। आई थिंक एक बार दिक्कत हो रही है थोड़ी, मैं चेक कर लेता हूँ या सब कुछ सही है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो बात हो रही है, ये आप लोगों का जैसे कि करंट का कंप्लीट हो जाना, हीटिंग पीरियड का होना, इन सारी चीज़ों पे जो डिस्कशन है, एक बार थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करिए आप लोग और चीज़ों को देखिए यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे होता है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे कि प्रेशर अगर आप लोगों का जैसे कि हीटिंग हो रही है, हीटिंग पीरियड में ही अगर आप लोग उसको अगर हटा दोगे तो वेल्ड आप लोगों का वहाँ से हट जाएगा। जब आप लोगों का करंट पास कर रहा है उसके बाद में भी आप लोग करोगे तब भी दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चीज़ देखना है आपको कि कौन से टाइम पे आप लोगों को यहाँ पे रिलीज करना है। तो ये चीज़ देखिए, सबसे पहले आप लोगों का वेल्ड, जब आप लोगों का कॉलिजन हो जाता है, आफ्टर वेल्ड कॉलिजन, ठीक है, वेल्डिंग का कॉलिजन जब हो जाता है तो उस टाइम पे ये चीजें आप लोगों की होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉलिजन जब होता है तब होता है ये चीज। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पे सी आप लोगों का हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, द वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ लेजर वेल्डिंग इज, लेजर वेल्डिंग का जो वाइडेस्ट एप्लीकेशन है वो क्या है। लेजर वेल्डिंग आप लोगों का कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली ये बात देखनी है। यानी कि आफ्टर द वेल्ड कॉलिजन, जब आप लोगों का वेल्डिंग वहाँ कंप्लीट हो जाए उसके बाद कॉलिसिन, सॉरी कॉलिजन, या ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता चला, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ लेजर वेल्डिंग इज, लेजर वेल्डिंग का वाइडेस्ट एप्लीकेशन कहाँ पे होता है ये आप लोगों को देखना है यहाँ। ठीक है, तो लेजर वेल्डिंग आप लोगों का वाइडली किस जगह पे यूज होता है, एक बार मुझे बताइए। सारा कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संजीत। तो यहाँ पे आंसर बताइए, हैवी इंडस्ट्री में होता है, या स्ट्रक्चर वर्क में होता है, या फिर आपका प्रोसेस इंडस्ट्री में होता है, या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो 72 का यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 72 का डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ लेजर वेल्डिंग क्या होता है, आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फ्लक्सेस आर यूज्ड इन वेल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट द मोल्टन मेटल एंड द सरफेस टू बी ज्वाइंड फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्स जो आप लोग यूज कर रहे हो उसके यूज की बात हो रही है यहाँ पे, ये किसके लिए आपका यूज होता है। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। तो
तो फ्लेक्सेस आर यूज्ड इन वेल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल एंड द सर्फेस टू बी ज्वाइंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, कार्बोराइजिंग एंड डिस्टॉर्शन एंड वार्पिंग एंड अनइक्वल टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। तो बेसिकली हम लोग जो फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स मटेरियल जब बर्न होता है, ठीक है, शील्डिंग गैसेस, आर प्रोड्यूसेस बाय द बर्निंग ऑफ फ्लक्स। जब आप लोगों का यहाँ पर फ्लक्स बर्न करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप लोगों का यहाँ पर फ्लक्स बर्न करता है तो उस टाइम पे आप लोगों का ये चीज देखने को मिलता है कि आप लोगों का वहां पर फ्लक्स के बर्न करने से, ठीक है, शील्डिंग गैसेस रिलीज होती हैं और वो शील्डिंग गैसेस आप लोगों की यहाँ पे क्या करती हैं, वेरी गुड प्रियंका, यहाँ पे जो शील्डिंग गैसेस हैं वो आप लोगों की क्या करती हैं, यहाँ पे अराउंड द वेल्ड जोन, के अराउंड वो आप लोगों का एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं, और वो प्रोटेक्टिंग लेयर जो वेल्ड जोन के अराउंड जो बनती है वो आप लोगों का एटमोस्फेरिक गैसेस और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये चीज आपकी हो गई, यहाँ पे 73 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। नेक्स्ट आप लोग देखिए, अ गैसेस यूज्ड इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, इनर्ट गैस की तरह के, ये इनर्ट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। द गैस इज यूज इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, तो कौन सी गैस यूज होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और ऑर्गन और क्रिप्टन, कौन सा गैस यूज होता है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इनर्ट गैस ही यूज होती हैं आप लोगों की, यहाँ पे इनर्ट गैस कौन सी हैं, हीलियम है, आर्गन है और क्रप्टन भी है, लेकिन यहाँ पे दो दी हुई है, तो हीलियम और बेसिकली क्रप्टन तो बहुत रेयरली यूज होती है, जनरली आप लोगों की जो यहाँ पे यूज होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली गैस है वो है आप लोगों की यहाँ पे हीलियम और आर्गन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होगा। इसका ये गैस भी आप लोगों की एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह यूज होती है, और ये प्रोटेक्टिंग लेयर आप लोगों की यहाँ पे वेल्ड जोन को क्या करती है, सेव करती है, किससे, कि आपकी यहाँ पे भी एटमोस्फेरिक गैसेस जो हैं वो इसमें एंट्रैप ना करें। तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 2 1 mm थिक सीट स्टील सीट्स आर टू बी स्पॉट वेल्डेड एट अ करंट ऑफ 5000 एम्पियर, अज्यूमिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू बी 200 माइक्रो ओम्स एंड करंट फ्लो टाइम इज 0.2 सेकेंड, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आप लोगों का यहाँ पे हीट क्या होगा, एच इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है, I² RT। ठीक है, तो हीट का ये आप लोगों का रजिस्टिव हीट का ये फॉर्मूला होता है, आई यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, आई होगा यहाँ पे 5000 एम्पियर का स्क्वेयर, आर यहाँ पे आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस 200 × 10⁻⁶ μ की बात कर रहा है, और टाइम आप लोगों का 0.2 सेकेंड है। अब देखिए यहाँ पे ये जूल में आता है आप लोगों का वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किस में होता है आपका वैल्यू, जूल में होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 5 × 10³ का स्क्वेयर इंटू 200 × 10⁻⁶ × 0.2। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या होगा, 20 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, 20 × 10⁻⁶ × 2, यहाँ पे ये इससे ये कट गया, कैंसिल हो गया आप लोगों का। अब यहाँ देखिए 2 × 2 = 4 और 25 = 100, आप लोगों का कितना आ गया, 1000 जूल इज द आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों का 1000 जूल यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा। दैट मीन्स एच आप लोगों का यहाँ पे कितना हो गया, 1000 जूल हो गया, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा इसका, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हुआ बात। नेक्स्ट देखिए,
इन लीनियर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ आप लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये चीज कह रहा है लीनियरली आर्क वेल्डिंग है वेल्डिंग करंट के, वेल्डिंग वोल्टेज के, वेल्डिंग स्पीड के या नन ऑफ दीज, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये देखना है हीट आप लोग जो प्रोवाइड करा रहे हो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, वेल्डिंग करंट के, वेल्डिंग वोल्टेज के, वेल्डिंग स्पीड के, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान लगाओगे तो ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जैसे कि फॉर्मूला जो है ये पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है, हीट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि हीट पर यूनिट लेंथ ये हो गया आप लोगों का, होगा कि नहीं होगा, ये हीट पर यूनिट लेंथ हो गया और यहाँ पे आप लोगों का ये आई स्क्वेयर आर टी होता है। ठीक है, तो ये किसके इनवर्जली प्रोपोर्शनल होगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एच अपॉन एल कर रहे हैं तो एक एच अपॉन एल इधर भी हो जाएगा क्योंकि भैया फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे भी तो होगा। तो अब देखिए आप लोग आई स्क्वेयर आर और यहाँ पे एल के अपॉन में, इस टी को हम एल के अपॉन में ले आए, यहाँ पे एल अपॉन टी लेंथ अपॉन टाइम, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया वी। तो यहाँ पे हीट पर यूनिट लेंथ जो है वो आप लोगों का यहाँ पे वेल्डिंग वेलोसिटी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो समझ गए, तो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, वेल्डिंग स्पीड के। तो लीनियर आर्क वेल्डिंग में हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ, ये हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ हो गया, इधर भी हम लोगों ने पर यूनिट लेंथ दोनों तरफ लेंथ से डिवाइड कर दिया क्योंकि अभी पिछले वाले फॉर्मूले में देखा था एच इज इक्वल टू, तो हमारा क्या होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी होता है, लेकिन इनको दोनों को जब एल से डिवाइड कर दिया तो हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ हो गया और यहाँ पे एल हो गया, इस टी को मैंने इसके अपॉन में ले आया। और ये बात आप लोग जानते ही हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आप लोगों का क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी जब आप लोगों का होता है तो आप लोगों का यहाँ पे किसके रिगार्डिंग ये बात हुई, तो यहाँ पे आप लोगों का ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वेल्डिंग स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की, आंसर भी आप लोग बताते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते चलिए, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, समझ गए। तो अब आप लोगों को एक चीज यहाँ पे पता चल गई कि अगर वेल्डिंग स्पीड ज्यादा है तो हीट इनपुट आप लोगों का कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इफ वेल्डिंग स्पीड इज हायर देन, इफ वेल्डिंग स्पीड इज हायर देन हीट सप्लाई इज लेस, हीट सप्लाई आपकी कम हो जाएगी क्योंकि कम टाइम के लिए वहां पे आप लोगों का वो हीट की सप्लाई कर पाएगा। तो ये बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइए तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो करके बताइए मुझे। ठीक है, ये चीज देखिए आप लोग आगे। अब इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय, आप लोगों का आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन में करंट वैल्यू जो है वो किसके थ्रू डिसाइड की जाती है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी इसकी, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, समझ रहे हो ना, तो आप लोगों को सिंपल सा एक फंडा यहाँ पे यूज करना है, वो क्या है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है सबसे पहले थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट के अकॉर्डिंग आप लोग यहां पे किसको डिसाइड करते हो, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड हमको कितना लेना है ये बात डिसाइड होती है, और डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग आप लोग यहां पे क्या डिसाइड करते हो ये देखना है। यहां पे थिकनेस ऑफ प्लेट से आप लोग क्या डिसाइड करते हो, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, और डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड से आप लोग यहां पे करंट को डिसाइड करते हो कि करंट आप लोगों का कितना होगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये थिकनेस हो गया, ये डायमीटर हो गया, और ये करंट हो गया आप लोगों का, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे करंट, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, थिकनेस ऑफ प्लेट, इन चीजों का एक जो सिक्वेंस है इस सिक्वेंस को कभी भी नहीं भूलना है।
थिकनेस ऑफ प्लेट के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, और डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं करंट, और करंट के अकॉर्डिंग आप लोग ये सिक्वेंस इस तरीके से या तो रिवर्स चलेगा या इस तरीके से, करंट के अकॉर्डिंग आप डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड और डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पे जंप मत कर देना, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड को जंप करके कहने लग जाओ ये, तो यहाँ पे आप लोगों का जो करंट का वैल्यू है वो डिसाइड होता है आप लोगों का किसकी वजह से, डायमीटर एक तरीके से साइज हो गया, तो यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें, यहां तक कोई दिक्कत? डी जो है ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस इज जनरली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस इज जनरली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। स्टेनलेस स्टील का जो वेल्डिंग है वो डिफिकल्ट क्यों है, इसका क्या रीजन है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, समझ रहे हो ना। द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज जनरली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्टेनलेस स्टील है उसका जो वेल्डिंग है वो डिफिकल्ट क्यों होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ स्टेनलेस स्टील, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म, एंड नेक्स्ट इज द फियर ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्टेनलेस स्टील है इसमें बेसिकली क्या चीज़ हो जाती है आप लोगों की, यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म होने लगती है ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आप लोगों का ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर करना है, दैट मीन्स आप लोगों का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द मेन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड का डायमीटर जो है ये किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं होगा तो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड होगा बच्चे, ठीक है, और वैसे ये ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं हुआ है कि ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए, पहले देखिए आपका दुविधा दूर करने के लिए ये क्वेश्चन भी आ गया 80। ठीक है, तो वो सीक्वेंस जो है वही फॉलो होता है, समझ गए ना, तो ये चीज आपको देखना है, जनरली उसी टाइप का ही देगा। तो द मेन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग एज, तो क्या होगा आप लोगों का, थिकनेस ऑफ मटेरियल, तो थिकनेस ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का आर्क वेल्डिंग में डी इज इक्वल टू अंडर रूट टी ये लेके चलते हैं आर्क में, और आर्क वेल्डिंग में, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग क्या लेके चलते हैं, डी इज इक्वल टू 6√T ये लेके चलते हैं हम लोग किस में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, समझ में आ गया, ये चीज लेके चलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। ये हो गया आप लोगों का आर्क वेल्डिंग, और ये हो गया आप लोगों का रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्लियर हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत हो तो बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड डायमा। मैग्नेटिक आर्क ब्लो एच, अ रिसेंट वेल्डिंग टेक्निक यूज टू वेल्ड मेटेरियल, अकर्स वेन वेल्डिंग नियर इक्वेटर, फिनोमेना ऑफ अक्रेंस ऑफ स्प्लेटर, स्पेटर्स है ये, स्प्लेटर नहीं है, स्पेटर्स, अक्रेंस ऑफ स्पेटर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन इन डीसी आर्क वेल्डिंग, इसका क्या ऑप्शन होगा ये बताना है आपको, समझ रहे हो, इसका क्या ऑप्शन होगा ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करनी है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन, तो ये आप लोगों का मैग्नेटिक आर्क ब्लो जो होता है इसमें बेसिकली क्या चीज देखने को मिलती है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक आर्क ब्लो जो है आपका, सारा कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैग्नेटिक आर्क ब्लो जो है ये आप लोगों का जनरली डीसी करंट जब यूज करते हैं तब जनरेट होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये एक वर्क पीस है, ये आप लोगों का यहाँ पे एक वर्क पीस है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग द वेल्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वेल्ड कर रहे हैं, एंड ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन
यहाँ पे जब हम लोग डीसी करंट और ये इलेक्ट्रोड है हमारा, बेयर इलेक्ट्रोड के केस में और ज़्यादा होता है ये एज कंपेयर टू आप लोगों का। जैसे कि ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये आपका वायर है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसको। ये आप लोगों का यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है और ये आप लोगों का वर्क पीस है। तो यहाँ आप लोगों के इस तरीके से क्या होते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है। आप लोगों का आर्क आना चाहिए था यहाँ पे, समझ रहे हो, आर्क आना कहाँ पे चाहिए था, इस जगह पे, और ये आर्क आप लोगों का चला गया इस जगह पे ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो डेविएशन ऑफ द आर्क इज कॉल्ड आर्क बिलो, जो कि किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है, जो कि जनरली कहाँ पे अकर होता है, आप लोग जब यूज करते हो क्या डीसी करंट विद बेयर वायर इलेक्ट्रोड देन चांसेस ऑफ आप लोगों के यहां पे किसके चांस, देन चांसेस ऑफ मैग्नेटिक आर्क बिलो इज, देन चांसेस ऑफ मैग्नेटिक आर्क बिलो इज अकर्ड, ठीक है। तो आप लोगों के मैग्नेटिक आर्क बिलो के चांसेस यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ज्यादा आकर होने लग जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट मीन्स आप लोगों का यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। समझ में आ गया, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अ बैकिंग रिंग इज यूज्ड इनसाइड द पाइप जॉइंट व्हेन मेकिंग अ, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं आप लोगों का यहाँ पे, ये क्या होता है, इसकी जो बात आप लोग कर रहे हो यहाँ पे, ये चीज देखनी है, एक मिनट एक मिनट, चलिए। तो यहाँ पे आप लोग जो बात कर रहे हो, जो बैकिंग रिंग है, बैकिंग रिंग आप लोगों का पाइप जॉइंट में भी लग रहा है और वैसे भी लगता है जब आप लोग थिन शीट्स पे क्या कर रहे होते हो, वेल्डिंग वगैरह जब आप लोग कर रहे होते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ आप लोगों की जनरली देखने को मिल जाती है। तो समझ रहे हो, आप लोग जब यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हो, यहाँ तो पाइप जॉइंट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जनरली हम लोग बैकिंग रिंग इसलिए लगा देते हैं कि जो हमारा मोल्टन मेटल है, समझ रहे हो, जो हम लोगों का मोल्टन मेटल है वो वहाँ से निकल निकल के नहीं जाए। तो ये चीज़ आप लोगों की वहाँ पे देखने को मिलती है, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी हो, ये स्लीप बेल्ट में नहीं, ये जनरली आप लोगों का बट बेल्ट में ऐसा देखने को मिलता है, समझ रहे हो। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक क्रॉस सेक्शनल व्यू, यहाँ पे ये आप लोगों का मान के चलिए, ये आप लोगों का वेल्डिंग आप कर रहे हो, थिन सीट है, यहाँ पे आप लोग एक बैकिंग रिंग या बैकिंग प्लेट भी बोलते हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब ये आप लोगों ने जब यहाँ पे लगाई है ना, तो आप लोगों का मोल्टन मेटल यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, वेल्डिंग की जगह पे यहाँ पे क्या होने लग जाता है, वेल्डिंग की जगह पे फिर यहाँ पे आप लोगों का कटिंग होने लग जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वेल्डिंग यहाँ पे परफॉर्म हो गया आप लोगों का, ये चीज़ देखने को मिलती है कब, जब थिन सीट्स पे आप लोग या थिन पाइप के जो सीट्स होती हैं उनकी जब आप लोग वेल्डिंग कर रहे होते हो, तो ये फिनोमेना आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलता है, समझ गए। तो बट वेल्ड में ये जनरली यूज होती है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोड गेट्स कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस, आप लोगों का जो इलेक्ट्रोड है वो किस वेल्डिंग में यहाँ पे कंज्यूम होता है, गैस वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, थर्मेट वेल्डिंग में और आर्क वेल्डिंग में, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, समझ में आ गया। इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा,
क्या गैस वेल्डिंग में आप लोग इलेक्ट्रोड का यूज करते हो? गैस वेल्डिंग में आप लोग किसका यूज करते हो? एडिशनल मटेरियल की जो सप्लाई होती है वो किसकी वजह से होती है? यहाँ पर फिलर रॉड का यूज करते हो आप लोग, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड गेट कंज्यूम, थर्मेट में इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता बच्चे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ग्रेनुलर फॉर्म में मेटेरियल, एडिशनल मेटेरियल, डी डी आर, ओके 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 दैमा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, एडिशनल मेटेरियल इज सॉरी ग्रेनुलर और पाउडर मटेरियल इज यूज्ड एज अ एडिशनल मटेरियल। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में नो एडिशनल मटेरियल इज रिक्वायर्ड, नो एडिशनल मटेरियल सप्लाइड, कोई भी एडिशनल मटेरियल आप लोगों का सप्लाई वहां पे नहीं किया जाता। आर्क वेल्डिंग में आप लोगों का जो कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग होती है, कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग आर कंज्यूम्ड, आर कंज्यूम्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड को कंज्यूम करती है। अब आप लोगों के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग के, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग के आप लोगों के यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं, या कह सकते हो कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग्स कौन सी होती हैं, तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, आप लोगों का MIG मेटल इनर्ट MIG वेल्डिंग, फ्लक्स कोरड आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोरड आर्क वेल्डिंग, इन सभी वेल्डिंग्स में आप लोगों का क्या यूज होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज होता है, जो कि आप लोगों का इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर फिलिंग इन अ वेल्ड ज्वाइंट इज ड्यू टू, समझ रहे हो, आप लोगों का अंडर फिलिंग जो है ये एक वेल्ड ज्वाइंट में किसकी वजह से होता है? अंडर फिलिंग, अंडर फिलिंग मतलब समझ रहे हो, आप लोगों का वहां पे मटेरियल जो है उसमें, आज सुबह हम लोगों ने एक थ्योरी की जो क्लास की थी उसमें अंडर फिलिंग जैसी चीज आप लोगों को देखने को मिल रही थी, सॉरी, तो वहां पे आप लोगों को अंडर फिलिंग जैसी चीज वहां देखने को मिल रही थी। तो वो अंडर फिलिंग होता क्या है, जैसे कि ये आप लोगों का वर्क पीस है, ये आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस है, और इसमें देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आप लोगों का केविटी, श्रिंकेज केविटी टाइप की इसमें बन गई, यानी कि ये आप लोगों का क्या है, अंडर फिलिंग है। आप लोगों का प्रॉपर सप्लाई ऑफ द एडिशनल मटेरियल अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोगों का ये फिनोमेना क्या बोला जाएगा, अंडर फिलिंग यहाँ पे बोला जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेल्टिंग अवे ऑफ बेस मेटल जब होता है ना तो वो ओवर फिलिंग बोला जाता है। लो टेम्परेचर ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग अवे फ्रॉम बेस मेटल, इनकम्प्लीट फ्यूजन, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ वेल्ड ज्वाइंट्स। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ वेल्ड ज्वाइंट जो है ये आप लोगों का यहाँ पे बोला जाएगा। दैट मीन्स आप लोगों का 84 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, समझ गए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर हुआ। जब आप लोगों का इनकम्प्लीट फिलिंग होगा यानी कि प्रॉपर सप्लाई नहीं आ पा रही,
एडिशनल मटेरियल की, कहाँ से, इलेक्ट्रोड से, तो ये फिनोमेना आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रोड से आए या फिलर रॉड से आए, जहाँ से भी आए आप लोगों की वो अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चीज़ क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इज केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखनी है। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आप लोगों का क्या रेशियो होता है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए संजीत, क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो? यहाँ पे O2 है, O2 और C2H2, इनका जो रेशियो है ये क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इनका जो रेशियो है ये यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का ये जो रेशियो है ये क्या होगा, किसमें? देखिए मैं आप लोगों को अलग अलग करके बता देता हूँ। 1:1 होता है ये किसमें आप लोगों का, न्यूट्रल में, ठीक है। आप लोगों का ऑक्सीजन टू C2H2 का जो रेशियो है वो आप लोगों का होता है यहाँ पे कितना, देखिए 2:1 भी होता है कई बुक्स में 1.5 भी दिया है, ठीक है। तो जो रिच अमाउंट है हम उसको जनरली यहाँ पे लेके चलेंगे, वही हम लोगों का यहाँ पे आंसर सही रहेगा। तो जनरली ये क्वेश्चन आप लोगों का कई एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो वहाँ पे आप लोगों का कई जगह ये भी आंसर है और कई जगह ये भी। तो यहाँ पे 2:1 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग में आप लोगों का होगा, समझ गए? तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को लगाएंगे, क्योंकि होता ये भी है जब हायर, लेकिन 2 से ज़्यादा हम लोगों का जनरली हम लोग कंसीडर करके नहीं चलते। कई बुक्स में आप लोगों का 1.5 भी दिया हुआ है, लेकिन 2:1 एक बार ये एक एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी, और वहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर था वो यही था। और आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल हो गया, और आप लोगों का यहाँ पे 0.821 ये होता है किसमें, कार्बोराइजिंग में, ठीक है। ये कार्बोराइजिंग फ्लेम में आप लोगों का रेशियो होता है। तो यहाँ आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम इज, यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम के केस में क्या होगा, बताइए। ये तो सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। इसका आंसर आप लोग बताइए कि यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो इसका क्या होगा, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम 0.8:1, 1:1। जी बोलिए बच्चे, तो यहाँ पे आप लोग बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड संजीत, यहाँ पे आपका आंसर ये सही है। तो ये आप लोगों का 0.8:1 जो है, ठीक है, 0.8:1 जो है। हाँ अदिति बोलिए भाई, क्या कहना चाह रहे हो आप? ये कार्बोराइजिंग फ्लेम का रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम। वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ पे 1:1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये आपका होता है न्यूट्रल के लिए और ये आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग के लिए, ठीक है। ये आप लोगों के यहाँ पे हो गई क्या, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप लोगों का ये क्या कह रहा है, द प्री हीटिंग ऑफ पार्ट टू बी वेल्डेड एंड स्लो कूलिंग ऑफ द वेल्डेड स्ट्रक्चर विल लीड टू रिडक्शन इन, ठीक है। तो प्री हीटिंग अगर आप लोग कर देते हो पहले से किसी वेल्ड पार्ट का, दायमा ये मैं उम्मीद करता हूँ आपका आंसर इसका सही आएगा, समझ रहे हो? इसका उम्मीद करता हूँ मैं कि इसका आंसर सही आएगा। द प्री हीटिंग ऑफ पार्ट टू बी वेल्डेड एंड स्लो कूलिंग ऑफ द वेल्डेड स्ट्रक्चर विल लीड टू रिडक्शन इन रेजिडुअल स्ट्रेस एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, क्रैकिंग एंड इनकम्प्लीट फ्यूजन, क्रैकिंग एंड रेजिडुअल स्ट्रेस, क्रैकिंग एंड अंडरफिल। सर बहुत थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो यहाँ पे आप लोगों का
ये चीज हमें देखना है। 87 का आंसर हम लोगों को यहाँ पे बताना है क्या होगा, ठीक है। 87 का आंसर यहाँ पे हम लोगों को बताना है। और ध्यान है, सुबह वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये चीज, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आ गया है। संजीत ने आंसर बता दिया इसका, रेजिडुअल स्ट्रेस एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को दूर करने के लिए हम लोग बेसिकली अपने किसी पार्ट को प्री हीट कर लेते हैं, तो वहां पर ये फिनोमेना हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फिनोमेना हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग रेगुलर रहिए और भी अच्छा पढ़ाएंगे, समझ रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है। द गैसेज यूज इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आर, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आप लोगों का कौन सा गैस यहाँ पे यूज होता है, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो कौन सा गैस आप लोगों का यूज होता है, हीलियम एंड नियोन, आर्गन एंड हीलियम, एंड ओजोन एंड नियोन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, 88 में आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कौन सा मेटेरियल आपका यूज होता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को, वेलकम सालालुद्दीन, कैसे हो भाई। यहाँ पे हीलियम एंड नियोन, बच्चे टंगस्टन में एक्चुअलिटी मैं आपको बता दूँ, नियोन यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, बेसिकली आर्गन का यूज हम लोग करते हैं, समझ गए ना। नियोन यहाँ पे जो है आपका ये कहा जाता है, हालांकि होने को ये इनर्ट गैस है, लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा अपने माइंड में, नियोन यहाँ पे आप लोगों का क्या फिनोमेना करता है, नियोन आप लोगों का यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है उसको डिटोरिएट करना स्टार्ट कर देता है, डिटोरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोड मटेरियल। तो ये चीज आप लोगों का हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए आर्गन एंड हीलियम इज यूज्ड एज अ इनर्ट गैस इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, समझ गए। तो ये चीज इसलिए यहाँ पे होती है। नेक्स्ट देखिए, इन गैस वेल्डिंग मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स एट, सबसे ज्यादा आपका फ्लेम टेम्परेचर कहाँ पे अकर होता है, इनर कोन, आउटर कोन, नेक्स्ट टू इनर कोन, टिप ऑफ द फ्लेम, ये चीज आपको बतानी है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, अब इसका आंसर बताइए, 89 का आंसर क्या होगा। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ये इस टाइम पे थोड़ा सा होता है। मॉर्निंग में भी एक थ्योरी का क्लास चलता है, उसमें भी आप लोग आया करो सब, ठीक है, जिससे कि और भी चीज़ें अच्छी हों। ये देखिए आप लोगों का यहाँ पे एक नोजल है, और इस नोजल में से यहाँ पे आप लोगों का ये जो कोन है इनर कोन है, और ये आप लोगों का यहाँ पे आउटर कोन है, ठीक है, ये आउटर कोन है आपका, और एक इंटरमीडिएट कोन भी होता है जिसको एसिडिलीन फीदर भी बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट टू इनर कोन यहाँ पे ये आप लोगों की होती है, ये भी देख लीजिए, ये आउटर कोन है, ये आप लोगों का यहाँ पे इनर कोन है, और ये आप लोगों का नेक्स्ट टू इनर कोन, इसके बहुत नाम है, नेक्स्ट टू इनर कोन भी बोली जाती है ये, और एक और नाम है इसका, इंटरमीडिएट कोन भी बोली जाती है ये, और क्या बोली जाती है ये आप लोगों का इंटरमीडिएट कोन के साथ साथ ये आप लोगों का एसिटिलीन फेदर भी बोला जाता है, एसिटिलीन फेदर भी ये बोला जाता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके चलूँ इसको, कोई सा भी आप मान लो, तो यहाँ इनर कोन का जो टेम्परेचर है मान के चलिए जैसे 3450 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है, और इसका 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के टेम्परेचर, समझ गए। तो आप लोग, और ऐसे ही सभी में होता है, इसी में नहीं है, आप लोगों के और भी जो होते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बोराइजिंग फ्लेम हो, या आप लोगों का यहाँ पे देखिए ये कार्बोराइजिंग फ्लेम में ही जनरली होता है, बट मैंने यहाँ पे जब यूज किया है तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में ही ज्यादा क्लियरली आप लोगों को विजुलाइज होता है एसिटिलीन फीदर, ठीक है, जो कि एसिटिलीन का बना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे भी आपका कंसीडर कर लिया है, तो उनमें भी इनर कोन का ही टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, समझ गए। तो इनर कोन इज हैविंग हायर टेम्परेचर, तो आप लोगों का ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड।
आप लोगों के इलेक्ट्रोड को कोट करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? प्रोटेक्टिव लेयर, बाइंडर, डिऑक्सीडाइजर और फ्लक्स। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो जो आप लोगों का यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए, मैं मान लेता हूँ ये मेरा है यहाँ पे इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये मेरा है यहाँ पे भैया इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, ये है यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ ये आप लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो गया, और इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ यहाँ पे आप लोगों का एक मैटेरियल लगा होता है, जो मैटेरियल बर्न होने पे शील्डिंग गैसेस आप लोगों की रिलीज करता है, और ये मटेरियल होता है आप लोगों का फ्लक्स। क्या होता है ये? फ्लक्स होता है, जो कि यहाँ पे है प्रोटेक्टिव लेयर भी है। अदिति का डिऑक्सीडाइजर है इसका आंसर। अच्छा, संजीत का सी डिऑक्सीडाइजर। डिऑक्सीडाइजर की तरह नहीं बच्चे, फ्लक्स होता है जो इलेक्ट्रोड पे लगा होता है। ये आप लोगों का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड इज कोटेड बाय द फ्लक्स। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मेरे को बताइए। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई अगर दिक्कत है इसमें तो आप लोग मुझे बताइए। चलिए, सब ठीक है। अब हम लोग यहां पे कल फिर दोबारा से आएंगे, इसी टाइम पे, सेम टाइम, सेम जगह मिलेंगे, और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरीके से यहाँ पे पूछी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही सेशन हम लोग रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलते हैं और चीज़ों को फिर दोबारा से एक बार देखते हैं। आपका कोई अगर पर्सनल डाउट है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के साथ उसको बताऊंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, और थ्योरिटिकल और ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्लास दोनों आप लोग देखते रहिए, चीज़ें आप लोगों की ठीक होती रहेंगी। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।